ग्राम डुमरी पंचायत रुपुलिया प्रखंड गौनाहा जिला पश्चिमी चंपारण का एक छोटा सा गांव है। इस गांव की आबादी लगभग 3000 है। देश आज़ादी के पूर्व से ही यहां के किसान सिंचाई के लिए स्वयं अपने श्रम से सड़क तालाब बांध पानी का निर्माण कर खेती करते थे। आज हालत यह है कि वह सारी परिसंपत्तियां जीर्णोद्धार और संरक्षण के अभाव में लुप्त होता जा रहा है। पहले से पूर्वज लोग बांध बांध के आ पानी पटाव जी जाम लाग गई बा उसे फूट के आ गांव में चल जाता पानी। पानी आवे तो हमनी के तबाह हो जाता है। इंजा घर द्वार पानी लग जाता है। बांध टूटा तो रात बिरात कूद लेके बांधे के पड़ता है। बरसात में पानी की वजह से कई घर बह जाते थे और रबी फसल के समय सिंचाई भी नहीं हो पाती थी। कुली सब सूखता रही सब पानी बिना माल जाल के दिक्कत बा पानी बिना वार्ड से तो कहल जा रहा कहता रही हो तब मैं अप्रैल माह में वीडियो बनाई और बदलाव के लिए प्रयास करने लगी। फिर एक आवेदन लिखी, लोगों के हस्ताक्षर कराकर लोग को यह जानकारी मिला कि इन सभी कामों की जिम्मेदारी सरकार का है, लेकिन मनरेगा योजना लोगों के जानकारी से काफ़ी दूर ही रहा, जिसके लिए गांव वालों के साथ बैठक कर मनरेगा योजना की जानकारी दी। मनरेगा से अगर योजना ही खुले तो लोग काम करम लोग नहीं में सब लोग काम करम लोग मजदूरों से काम के लिए आवेदन करवा दिए तो उनको योजना खोलना पड़ा। आवेदन के आधार पे हम जेई के साथ गए और हम स्थल का निरीक्षण किए। उस स्थल का प्राकलन तैयार हुआ। जीर्णोद्धार का बजट 62,000 रुपये का था और उस कार्य को कराने में आम जनता का भी सहयोग मिला। बनाया जाता है। 242 मजदूरों के सहयोग से बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तालाब में तालाब के बांध बना गए अब और जल संरक्षण होगा। इसमें करीब 20-25 घर दहने के कगार पर था जो अब नहीं दहेगा। हमने के फायदा ये बा कि ना घर में पानी ढुकता आ ना केनो टूटत फाटत उसे अथी किसान के लिए अथी रबी पताई होता के पटवन होता है। और इस तालाब से मेरा करीब 13 कट्ठा खेत पड़ता है और मेरे जैसे करीब 50-60 किसानों को भी इस खेत का सिंचाई होता है। सबसे बड़े योगदान तो आप ही रहे जिन्होंने उस क्षेत्र पे जो है किसे हमारा ध्यान केंद्रित किया। इतना कुछ हुआ, मेरे गांव का सिंचाई होगा, घर उठने से बचा, दहने से बचा, इसके लिए वीडियो वॉलंटियर्स को लाख लाख धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।